नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वच्छ पानी और स्वच्छ पौष्टिक भोजन, ये हर किसी का अधिकार है और जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं अक्सर वो दूसरे पर भरोसे की कीमत चुकाते हैं और कभी कभी ये कीमत उन्हें जिंदगी गंवा कर चुकानी पड़ती है। कोटा के अपना घर आश्रम में ऐसा ही हुआ। यहां 3 विमंडितों की मौत हो गई, 15 घायल हो गए। सीएमएचओ का मानना है कि पानी दूषित था और खाना बनाने वाली जगह पर गंदगी थी। हालात बिगड़े तो आश्रम ने अपने ही सर पर इलाज कर दिया। ना सीएमएचओ को जानकारी दी गई, ना चिकित्सा विभाग को, ना जिला प्रशासन को। कहा जा रहा है कि अगर वक्त पर सही इलाज मिलता तो जिंदगियों को बचाया जा सकता था। तो सवाल यह भी कि क्या जिन विमंडितों की मौत हुई उन्होंने आश्रम की व्यवस्था और इलाज पर भरोसा जता अपनी जिंदगी गंवा दी, और क्या इसी भरोसे की कीमत 15 विमंडित और चुका रहे हैं जो बीमार हैं। सवाल यह कि खाना और पानी पहली जरूरत है, अगर इस जरूरत को भी आश्रम पूरा नहीं कर पा रहा तो फिर मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। आज बात इसी मुद्दे पर और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने लापरवाही की है। बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, 3 मौतों के मामले में जानलेवा लापरवाही। काई जमी हुई नजर आ रही है, फेंदे पर काई जमी हुई है, सफाई नहीं की गई है इनकी। आश्रम का नाम है अपना घर, यानी कहने की कोशिश की जा रही है कि जो भी विमंडित वहां आते हैं वो इसे अपना ही समझे, इसके मालिक है, ये उनका अपना घर है। लेकिन इसके आगे आश्रम लिखा जाता है जिसमें आश्रय के लिए ये आए हैं। सवाल यह है कि लगभग 300 के आसपास विमंडित लोग हैं, 50 के करीब इनकी देखभाल के लिए स्टाफ है, यानी हर 6 विमंडित पर एक का स्टाफ है। फिर भी जान जाती है। सवाल पानी का है, सवाल खाने का है, सवाल सांसों का है, सवाल लापरवाही का है, सवाल जिम्मेदारी लेने का है, सवाल जिम्मेदारी निभाने का है। और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम मांगेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरआर तिवाड़ी जी, और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, एक कहावत है कि नाम कमाने में जिंदगी निकल जाती है और एक लम्हा काफी है उसे बदनाम करने के लिए। एक छोटी सी लापरवाही ने अपना घर आश्रम की सालों की मेहनत और उस प्रतिष्ठा पर एक ऐसा दाग लगाया है जिसको धो पाना नामुमकिन है। क्या इसको रोका जा सकता था? आप बिल्कुल विजेंद्र, और कुछ ऐसी लापरवाहियां जो कि जानलेवा लापरवाहियां साबित हुई अपना घर आश्रम ने। आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, पिछले करीब 10 सालों से खासकर उन लोगों की जो लोग फुटपाथ पर थे, जो लोग बेसहारा थे, विमंडित थे, मानसिक बीमारियों का शिकार थे और अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही परिवारों के द्वारा ठुकराए हुए थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनको अपने यहाँ एडमिशन दिया, उनकी देखभाल की, उनकी सेवा शुश्रूषा की, काफ़ी लोगों को ठीक भी किया। लेकिन जिस तरह से 3 लोगों की मौतें हुई है विजेंद्र, इस पूरे मामले में अभी तक भी कुछ भी स्पष्ट अपना घर आश्रम प्रबंधन जो है वो नहीं बता पा रहा है कि आखिर गलती किस स्तर पर रही है। क्या जो किचन है जहां पर खाना बनता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा अपना घर आश्रम है वहां किसी बाहरी व्यक्ति को, यहां तक कि बाहरी खाने की भी परमिशन नहीं है। सब कुछ अपना घर आश्रम की जो किचन है उस किचन के अंदर बनता है और समय समय पर। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अपना घर आश्रम के सचिव मनोज जैन जी जुड़ गए। मनोज जी, हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं कि हमसे ज्यादा दर्द आपको हो रहा होगा क्योंकि आप उनको पाल रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिंदगी ले ली जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको पिछले 20-22 साल के बाद जब भी आश्रम है अपना घर आश्रम, अपना घर आश्रम ऐसे पत्ते की सेवा करता है जिसका बेसहारा बेघर कोई नहीं हो, जो मानसिक रोगी फुटपाथ पड़े हो, अस्पताल के बाहर हो, अभावहीन हो, ऐसे लोगों जी लापरवाही वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और फूड पॉइजनिंग का भी हमें जल्दी होगी हमें कहना, क्योंकि 300 लोग, 265 लोगों की फिलहाल रह रहे थे और 35 से 40 सेवा साथी वहाँ भोजन करते हैं, भोजन एक साथ बनता है, बाहर का फूड अलाउड नहीं है जी, है ना सर। और लगातार हाइजेनिक तरीके से सब मनोज जैन जी वहां पर बाकायदा पहुंचे थे सीएमएचओ, उन्होंने कहा कि पानी दूषित है, हम भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं काई जमी हुई है, हम ये भी दिखा रहे हैं कि जहां खाना बनता है वहां कितनी गंदगी है। आप फिर भी इनकार करेंगे सर इन बातों से? सर
ट्राई वाला हो ही नहीं सकता सर मामला, क्योंकि हमारी 23 तारीख को, हर 23 तारीख को पानी की टंकी साफ होती है। बारिश का मौसम है, पानी गिरी का पानी है वो दूषित हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के अंदर बीमार हुए, और इसमें क्या है कि हमारी महिला और पुरुष दोनों है, महिलाएं बीमार हुई है जी। लेकिन मनोज जी रिपोर्ट तो ये भी कह रही है, मनोज जी रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जिस टंकी के साथ आरओ को कनेक्ट किया गया है उस टंकी के अंदर सफाई करने की व्यवस्था हो ही नहीं सकती, उसको इस तरीके से कवर कर दिया गया है कि आदमी अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर जाएगा ही नहीं तो सफाई कैसे होगी। मैं आपको बताऊं सर, जो जिस टंकी के लिए आप बात कर रहे हैं जी, वो वाटर कूलर की टंकी ठीक है, हमारे को भोजन मिलता है, आप ये मान सकते 600 लोगों के भोजन के अंदर कम से कम 5000 लीटर पानी की जरूरत जी, है ना, एक टंकी से नहीं चलता है। और मनोज जी अगर मेडिकल रिपोर्ट में, मनोज जी अगर मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि दूषित खाना खाने से जान गई है, दूषित पानी पीने से जान गई है, सर फिर क्या करेंगे? वो प्रशासन कहेगा सर कहीं भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा, जो भी जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ एक्शन होगा जी। सर जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते, सामाजिक दायित्व है, इससे बच के काम नहीं है। तो सर ये भी बता दीजिए जिम्मेदार कौन होगा? इनके बारे में जरा बताइए सर, जिनकी जान गई है क्या इनके परिवार वालों को इत्तला किया गया या मानकर चले कि अपना घर ही इनका अपना घर था? ये क्या है सर, मैं आपको बताऊँ, ये जो पिछले कई सालों से रह रहे थे और इनके परिवार की भी तलाश कर रहे थे, अपनी भी तलाश कर रहे थे जी, तो ये काफी संख्या है, बेघर है, जिनको छोड़ दिया गया है, जो मानसिक स्थिति अच्छी थी या परिवार में कोई नहीं था, और वैसे जब इसके अलावा सर स्टेट ग्रांट कितना मिलता है साल में? सर ये तो समझ वाले बता पाएंगे, अलग अलग विषय रहता है ना, आप है ना, क्योंकि जिसमें 3 अनुदान लेते हैं 50 में अनुदान ही जी। नहीं फिर भी सर एक बैलेंस शीट तो कवर की जाती होगी, हर साल की होगी, 10 साल का एक ऑन एन एवरेज माना जाए तो सालाना कितना सरकार से मिलता है? सर लास्ट ईयर का 46 लाख रुपए सालाना सर, यानी कि 4 लाख रुपए महीने के मिलते हैं सर इनकी व्यवस्थाओं के लिए। पिछले साल का मुझे ध्यान है सर, इस साल का अनुदान बाकी है अभी। तो सर क्या 4 लाख रुपए कम पड़ते हैं विमंदितों को व्यवस्था देने के लिए, उन्हें शुद्ध पानी देने के लिए, अच्छा भोजन कराने के लिए? नहीं, जन सहयोग से कोई कमी नहीं रहती और साधनों में कोई कमी नहीं जी, है ना, तो मेरी आप भी सर कमी तो है, आप हमारे साथ बने रहिए, भंवर चारण भी जुड़े हुए हैं, भंवर कोई सवाल करना चाहेंगे? क्योंकि 40 लाख रुपए के आसपास सालाना मिलना मतलब कि लगभग 4 लाख रुपए सिर्फ सरकार से ग्रांट मिलती है, अगर फिर भी पानी और भोजन ना मिल पाए तो उस 4 लाख का करते क्या है फिर? मनोज जी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी की अनुमति से जी। देखिए एक बेसिक सवाल जो बार बार उठ रहा है और खासकर जो कोटा CMHO डॉक्टर BS तंवर ने वहाँ प्राथमिक तौर पर दौरा करने के बाद कहा, आपके अपना घर आश्रम की सेवा शुश्रूषा की हर कोई तारीफ करता है, आपके सेवा भाव का कोटा में हर कोई मुरीद है, लेकिन एक जो अपना घर आश्रम में यह हादसा हुआ है ये हर कोई इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन मनोज जी कहा जा रहा है कि कल शाम को 4 बजे के आसपास लोग वहाँ बीमार पड़ना शुरू हो गए, उल्टी दस्त की शिकायत होगी, पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण आने लग गए। CMHO का साफ तौर पर यह कहना था कि हमें बहुत देर से सूचना दी गई, 12-13 लोग जो एडमिट है उन सबकी तबीयत अब ठीक है, अगर इनको टाइम पर चिकित्सा मिल जाती, अगर समय पर समुचित उपचार इनको मिल जाता तो शायद इनकी जान बच जाती, ये देरी जानलेवा देरी क्यों बढ़ती गई? नहीं मैं आपको बताऊं, कोरोना काल के अंदर 2 साल तक यहाँ लॉकडाउन लग रहा, एक भी प्रभु जी के कोरोना नहीं हुआ तो लापरवाही कैसे है? दूसरा CMHO साहब का पहली बार दोहरा है, उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट में क्या कहा ये मैं नहीं कह सकता, वो मेरे सामने मिले थे, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ 15 से 20 प्रभु जी डेली बीमार होते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, हमारी खुद की अपनी 3 एम्बुलेंस है ना, मेरी तो हुई नहीं, क्यों 4 बजे एक ही तो प्रभु जी बीमार हुए थे, बाकी रात सुबह, और लापरवाही की बात है, हमने तो सुबह ही प्रशासन को और मेडिकल विभाग को और पुलिस को सूचना करी कि सर ये लगातार बीमार हो रहे हैं, और प्रशासन और मेडिकल विभाग लेके गया हॉस्पिटल बाकी लोगों को, 3 ही जने तो गए थे शुरू में,
मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ है? सर नेचुरल नहीं है, जो भी आगे सामने आ जाएगा, लेकिन क्या है कि एक प्रभु जी जो है ना वो मानसिक रोगी जैसा नेत्रहीन और मल्टी डिजीज वाले थे, और ये जितने भी हैं ये अस्वस्थ हैं जी। इनमें आप कभी देखेंगे रिकॉर्ड के आगे, जब ये बिल्कुल पानी की तरह रिकॉर्ड है। तो मनोज इनको प्राइमरी एड क्या दिया गया, तुरंत क्या चिकित्सा इनकी की गई, क्या वहाँ अपनागर आश्रम में ही चिकित्सा की गई या तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे? अपनागर आश्रम में 5 चिकित्सक और 9 नर्सिंग कर्मी हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना दिया, फिर उन्होंने रेफर करा तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। चलिए मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए। आरआर तिवाड़ी जी हैं कांग्रेस से। आरआर तिवाड़ी जी, जब किसी को अनुदान दिया जाता है तो व्यवस्थाओं को चेक करने की भी जिम्मेदारी किसी की होगी, कैसे सिर्फ अपना आश्रम को जिम्मेदार मान ले, उनको जिम्मेदार क्यों ना माने जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि बार बार जाकर रूटीन में चेकअप किया जाए, क्योंकि 4 लाख रुपए के आसपास जनता का पैसा जा रहा है, हर महीने जा रहा है, क्यों चेक नहीं किया गया, और 3 मौत होने के बाद कैसे पूरा मेडिकल स्टाफ वहां घूम रहा है? विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं इन दुखद मौतों पर दुख व्यक्त करता हूं कांग्रेस की तरफ से। आपके चारण भाई भी कह रहे हैं जो वहां से सीधे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल से इसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि जांच में जो भी कमी पाई जाएगी प्रशासन के द्वारा, चाहे वो मनोज जैन जी के द्वारा संचालित जो अपना घर का अनाथ आश्रम चल रहा है उसमें अगर पीने के पानी की सफाई नहीं हुई है या उचित समय पर आपने हॉस्पिटल ले जाने में एक भूल चूक की है जी, तो उसका सजा मिलेगी कितना ही बड़े हो ये सरकार। मुझे ये बताइए आरआर तिवाड़ी जी, आज CMHO वहां पहुंचकर कह रहे हैं कि काई जमी हुई है, ये पानी तो जहरीला है, तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताइए। मैं स्वीकार करता हूँ इसको कि हर जिले में CMHO और कोटा शहर में, जैसे में तो 2 CMHO जोधपुर में है, जयपुर में है, यहाँ का अगर मेडिकल स्टाफ अगर समय पर ऐसे आश्रमों को जो सार्वजनिक रूप से निजी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बालकों के लिए हो चाहे बुजुर्गों के लिए, अगर CMHO वहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं और आज आकर के सूचना पे वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी में काई मिली है और भोजन सामग्री वाली जगह पर भी रसोई में भी वहाँ पर अव्यवस्था मिली, तो फिर CMHO क्या कर रहे हैं वहाँ? इसमें सरकार की लापरवाही है उनका, मैं खुद ही कह रहा हूँ तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होती। मैं कह रहा हूँ ये जो निरीक्षण होगा, किसी में डर होता कि हमारा ग्रांट रुक जाएगा, किसी में डर होता कि CMHO रिकमेंड कर देंगे कि यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, आप इनको अनुदान मत दीजिए, तो व्यवस्था अच्छी होती, 3 जाने नहीं जाती। विजेंद्र मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात को कि कहीं ना कहीं हमारे CMHO या जो निरीक्षण दल है वो लापरवाही बरत रहे हैं, और आज तो बरसात का मौसम है और कोटा जोधपुर जैसे पूरे राजस्थान में भारी बारिश हो रही है, हर उनकी जांच होनी चाहिए। ये बात हम राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी करेंगे कि हमारे जो CMHO बैठे हैं जो यहाँ पर NGO चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं या लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ की आज जाँच तो होनी चाहिए। और इसको मैं मानता हूँ कि CMHO की लापरवाही है, लेकिन फिर भी चलिए हमारे तो शुक्र है आरआर तिवाड़ी जी कि आपने अभी मान लिया कि उनकी लापरवाही है, तो मैं मानकर चलूंगा कोई एक्शन भी होगा, सिर्फ अपना घर पे एक्शन नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, पूरे राजस्थान के लिए मिसाल होगी विजेंद्र। आज आपने जो कार्यक्रम दिखाया पूरे राजस्थान के CMHO के लिए अलर्ट मोड है कि इस मौसम में हमको हर उस संस्था का निरीक्षण करना है जहां पर सार्वजनिक जिंदगी खतरे में आ सकती है, अगर CMHO अपना काम नहीं करेगा तो उनको सजा मिलेगी। ठीक है निमिषा गौड़, ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी एक्टिव ही तब होती है जब उसमें 2 चारों की जान की ग्रीसिंग चली जाए, वो तभी आगे बढ़ती है। विजेंद्र जी, ये कोटा की जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है, 2019 में 135 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, 2021 मई में एक महिला को वहां के सरकारी अस्पताल में चूहा कुतर के चला जाता है, फिर ये कहते हैं कि कमेटी गठित करेंगे, और ये अपना घर की घटना जिसमें 15 अभी सीरियस हैं और 3 की मौत हो जाती है, और तब ये यहाँ पर बैठ करके कहते हैं कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो चुकी है कि जांच कमेटी के बहाने उस प्रेशर को रिलीज करें जिस प्रेशर पर इनसे प्रश्न मार्क किया जाता है। आप देखिए कि अपना घर की घटना में CMHO खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पानी में काई जमी हुई दिख रही है आपके चैनल के माध्यम से भी, लेकिन यहाँ पर जब कोई मौत हो जाएगी तब ये जागेंगे, तब भी खाना पूर्ति करके आएंगे। क्या उदयपुर के नारायण में नहीं हुई थी 3 बच्चों की मौत गंदा पानी पीने से?
तो ये सरकार की जो प्रवृत्ति हो चुकी है ना, अब ये चिकित्सा मंत्री से जांच की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सा मंत्री तो खुद ही बदलते रहते हैं कांग्रेस के अंदर, और जो वर्तमान चिकित्सा मंत्री वो ये कहते हैं कि कैंसर तो ये सिगरेट पीते रहिए, तंबाकू खाते रहिए, कुछ होगा नहीं। ऐसे तो बड़बोले बयान इनके जो है जनता के साथ जोड़ने वाले हैं, तो ऐसे तो इनके चिकित्सा मंत्री हैं। आपके भी चिकित्सा मंत्री थे लंबे टाइम तक रहे, उन्होंने कहा था कि शर्मा के मुझे चिकित्सा मंत्री होते हुए, और वो चिकित्सा मंत्री थे जी, कि यहां पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कोटा की राजनीति इन मौतों की जिम्मेदार है, जो बेपरवाह हो चुकी है उन्हें, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की में चूहा कुतर जाना हो या अपना घर में 3 विमंदित मानसिक विक्षिप्त लोगों की मौत हो जाना हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि वो जो 15 लोग हैं वो अपने अपने स्वास्थ्य में सुधार लें। लेकिन ये कांग्रेस के स्वास्थ्य में क्या सुधार होने वाला है? ठीक है भंवर, सवाल आपसे है भाई, कोई तो व्यवस्था होगी कि जो इस तरीके के आश्रम है, संस्थान है, उनमें सरकारी महकमे उच्चक निरीक्षण करे, चिकित्सा विभाग करे, CMHO करे, ये देखेगा तो कोई ना कि वहां व्यवस्थाएं हैं या नहीं, या बस राम भरोसे छोड़ा हुआ, बस पैसे दे देते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, जिम्मेदारी निकल जाती है और जैसी ऐसी घटनाएं होती हैं फिर सब प्रथम मोर्चे पर आकर खड़े हो जाते हैं और दिखाते देखिए हम कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कुल मिला के 300 की क्षमता है कोटा के अपनागर आश्रम की, जहाँ पर खासकर विमंदित लोगों को रखा जाता है। इसके अलावा बेसहारा लोग, ज़रूरतमंद लोग, प्रशासन की रिकमेंडेशन पर भी कुछ लोगों को एडमिट वहाँ पर किया कर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल 100 जो प्रभु जी हैं, यानी 100 जो विमंदित जन है, उनका सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती है, समाज कल्याण विभाग उठाता है। और जो मेरे पास आंकड़ा है, बीते वित्तीय वर्ष में 69,94,000 रुपये का अनुदान अपना घर आश्रम को समाज कल्याण विभाग के मार्फत मिला है। तो जाहिर तौर पर जब सरकार का भी इतना ग्रांट और एड का पैसा जा रहा है तो एक मैकेनिज्म वहाँ पर बनना चाहिए। करीब करीब 14-15 लोगों की एक प्रबंधन कमेटी भी बनी हुई है विजेंद्र, जिसमें शिक्षक भी है, प्रोफेसर भी है, समाजसेवी भी है, दूसरे वर्गों के लोग भी जुड़े हुए हैं। और आज से पहले तक अपना घर आश्रम की व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन मानी जाती थी, लेकिन इस हादसे ने ये दिखा दिया है कि वहाँ पर ये है कि चोर तभी चोर होता है जब पकड़ा जाता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपना घर की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन 3 जाने गई है, इस सच्चाई को झुटलाएंगे कैसे? ये तो सच है, और जो आंकड़ा आप दे रहे हैं उससे तो आंकड़ा और बड़ा होता है। अब आंकड़ा होता है हर महीने 6 लाख रुपए व्यवस्था के लिए। तो मेरा सवाल यह कि जो कमेटी बनी हुई है, CMHO जो है, जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, क्या बरसात के मौसम में घर में बैठकर पकौड़े खा रहे हैं? क्यों चेक निरीक्षण नहीं करते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाकी सवालों के साथ ये सवाल तो खड़ा होता ही है। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है, जल्दी इसकी जांच की एक रिपोर्ट बना करके, क्योंकि फिलहाल जो पंचनामा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद इस रिपोर्ट को कलेक्टर के सामने पुट किया जाएगा, इस पूरे मामले में तय किया जाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है, और इसमें लाइन ऑफ एक्शन भी तय किया जाएगा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं और लकीर पीटने वाली बातें हैं, असल बात यह है कि वहाँ जो व्यवस्थाओं में खामी रही है वो 3 जिंदगियों पर भारी पड़ी, और ये ऐसे लोग थे, ऐसी जिंदगियां थी, जो शायद खुद अपने हाथ से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं, लाचारगी का शिकार है। समस्या तो ये है कि अपना घर में तो व्यवस्थाएं अब सुधर ही जाएंगी, पर्शिंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है, वहां तो व्यवस्था सुधर जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि बाकी जगहों पर व्यवस्था सुधर जाएंगी। कल अगर कहीं और हादसा हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हादसा होने के बाद सब खड़े हो जाएंगे, CMHO भी पहुंच जाएंगे, नेता भी पहुंच जाएंगे, बाकी भी पहुंच जाएंगे। मनोज जैन जी, सवाल आपसे है सर, क्या मंथली रिपोर्ट तैयार होती है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? और सर ये भी बताइए कि कौन सा सरकारी महकमा, चाहे वो CMHO ही हो, इससे पहले कब अपना घर आए व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जांचने के लिए, और आपको ये रिपोर्ट देखा गया कि हाँ आप सुव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं? मनोज जैन जी, चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, सवाल उनसे ही बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं। भंवर, मेरा सवाल आपसे है, आज CMHO साहब आए, क्या उनसे पूछा कि भाई आपने अंतिम रिपोर्ट कब दी थी, कब क्लीन चिट दी थी कि आपके यहां सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त आप बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं?
देखिए विजेंद्र, मैं एक बहुत बेसिक से सवाल कर रहा हूँ कि हमारी इस पूरी रिपोर्ट को, पूरे एपिसोड को देखने के बाद, अगर कोटा CMHO, यहाँ का स्वास्थ्य महकमा, यहाँ का खाद्य सुरक्षा महकमा, केवल जो पानी की टंकियाँ हैं, खासकर इस तरह के अपना घर आश्रम, बेसहारा लोगों के जो बहुत सारी संस्थाएँ आश्रम चलाती है, करणी नगर विकास समिति भी इसी तरह का उपक्रम चलाती है, बहुत सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, बहुत से निजी संस्थाएँ चला रही है, बहुत से खुद सरकारी निकाय चला रहे हैं, विभाग चला रहे हैं और बहुत से सरकारी निकायों से फंडेड हैं, आप केवल उनकी पानी की टंकी ही चेक कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इंतजाम कितने ज्यादा लचर हैं। देखिए अपना घर आश्रम में दो तरह की वाटर सप्लाई की फैसिलिटी थी विजेंद्र, एक पानी तो PHED की सप्लाई का था लेकिन वो कम पड़ रहा था, तो एक बोरिंग भी साथ में करा रखा था और बोरिंग का भी पानी आ रहा था, उस बोरिंग के पानी को एक RO लगा करके फिल्टर करके और सारे प्रभुजियों के लिए पहुंचाया जाता था, वहां से शायद जो खाने पीने के काम में जो पानी नहीं लिया जाना चाहिए था, केवल धुलाई के लिए जो पानी लिया जाना चाहिए था, वहां से शायद किसी विमंदित जन ने पानी पी लिया, ऐसा एक मोटा मोटा आकलन है जो कि जिन लोगों ने वहां पर प्राथमिक तौर पर। जी सर, ये बहुत गंभीर सवाल है, आज आप अपना घर पे कार्रवाई कर लीजिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इससे ये कैसे दुरुस्त होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि बाकी जगह लापरवाही नहीं है, क्यों एक व्यापक अभियान नहीं चलाया जाता? विजेंद्र, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा, आपने जो मसला उठाया वो राजस्थान के तमाम जिलों के CMHO के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जननायक हैं, लोगों के संवेदनशीलता से हर काम को मदद करने की बात करते हैं, जहां राजस्थान की सरकार देश में इन्हीं बातों को लेकर के हमने 10 लाख रुपए तक की मदद निशुल्क इलाज करने के लिए कहा, तो हम किसी की जान लेने की कैसे सोच सकते हैं? राजस्थान पहला प्रदेश है जो आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करे जी। वो सारी बातें हैं। वहां पर कोटा में जो कुछ हुआ है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे कहीं ना कहीं CMHO जो हमारा वहां पर महकमा है वो नियमित रूप से इनकी जांच नहीं करते हैं। और केवल यही महकमा क्यों, जब इतनी बड़ी ग्रांट मिलती है तो इन लोगों का जो जी आपसे पूछती हूं, होने के बाद क्यों पहले जांच नहीं की जाती है? नियमित जांच यदि की गई है तो बताइए किसने की वहां पे जांच? तो स्वीकार कर रहा निमिषा, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाओ। स्वीकार करने से क्या, अरे वो विबंधित है जो अपने आप को पहचानते नहीं, अपना नाम नहीं जानते, खुद खाना नहीं खा सकते, अपना कपड़ा नहीं पहन सकते, ऐसे लोगों की मौत हुई है, इसको आप राजनीति का अड्डा नहीं बनाओ। हम खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे CMHO से गलती हुई है, महिला की आंख चली गई तो आप ला सकते हैं उसकी आंख? नहीं, क्या नवजात बच्चों और शिशुओं की मौत हुई उनको ला सकते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? एक मिनट विजेंद्र जी, मुझे कांग्रेस से पूछने दीजिए, ये बताइए सर, वहां जिला अधिकारी के खिलाफ, चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ क्या एक जांच होगी? मैं ये मान रहा हूँ कि अपना घर के खिलाफ जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ तय करना नहीं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, अपना घर के मालिक हो, या फिर वहां काम करने वाले और लोग हो। क्या एक निष्पक्ष जांच होगी? धारीवाल, शांति धारीवाल जी कोटा से आते हैं, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री हैं। जैसे ही ये बात का पता लगा, उन्होंने अपने द्वारा खुद ने वहां अपने कलेक्टर से, प्रशासन से बात की और कहा इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए, नीचे स्तर तक जांच होनी चाहिए, चाहे उसमें चिकित्सा महकमा हो, चाहे उसमें हमारा कोऑपरेटिव महकमा, क्योंकि ये जो सोसाइटियां बनती उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका चुनाव होता है, उसका अध्यक्ष बनता है, उसकी कार्यकारिणी बनती है, जो बच्चों की गंदे पानी पीने से मौत हुई थी उनकी जांच रिपोर्ट लाई है, ये विभाग उसकी कार्यवाही। एक मिनट विजेंद्र जी, पूछिए, उदयपुर के नारायण आश्रम में जो गंदा पानी पीने से बच्चों की मौत हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट लाई, उस पर क्या कार्रवाई? पूछिए आप, क्या सोती सरकार जागी? यदि जागी होती और नियमित जांच हो रही होती तो आज जो अपना घर में जो घटनाक्रम हुआ है वो रिपीट नहीं होता, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति कांग्रेस सरकार में ऐसे ही होती रहती है। अरे ये सरकार का मामला नहीं है, ये लापरवाही का मामला है, सरकार आपकी भी है। अधिकार मंत्री, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा, सरकार में हरियाणा में क्या नहीं हो रहा है? मैं पूछती हूँ आपसे तिवारी जी, बीजेपी कांग्रेस के साथ मत हो निमिषा, क्योंकि यह कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की प्रवृत्ति में आ चुका है ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति करना। सवाल उठा रही RR तिवारी जी, ये जायज है कि जो उदयपुर में घटना घटी उसकी रिपोर्ट कहाँ है? और ये भी तो कोई तय करके बताएगा ना सर कि अगर इसके लिए कोई कमेटी बन रही है और रिपोर्ट तैयार हो रही है, वो कितने दिन में तैयार होगी और कितने दिन में सार्वजनिक होगी, ये भी तो तय होना चाहिए। ये नहीं ना कि मुद्दा ठंडा पड़ गया, रिपोर्ट भी ठंडी पड़ गई, अगले
केस का इंतजार करेंगे, आगे कहीं घटना घटेगी फिर कह देंगे जांच हो रही है। जिलाधीश महोदय से हमारे धारीवाल साहब ने सीधी बात करी और जल्दी से जल्दी जांच करके, अभी तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए ना। सवाल है कि उनकी मौत किस कारण से हुई, गंदा पानी पीने से हुई, फूड पॉइजनिंग से हुई? सर मेरा तो ये सवाल ही नहीं आज, मैं तो टंकियां दिखा रहा हूँ, मैं तो वहां की व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, अगर एक बार के लिए मान भी लूं कि नेचुरल डेथ है तो क्या इंतजार करें? कारणबद्ध तरीके से इसी महीने में जांच हो, ऐसा हम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कहेंगे धारीवाल साहब से और जिलाधीश महोदय से। और जो भी दोषी है, चाहे वो समिति वाले हो, चाहे वहां के सीएमओ की लापरवाही हो, सरकार का आदमी हो या निजी संस्थान हो, दोनों पर गाज गिरेगी, ताकि राजस्थान में आम आदमी की जिंदगी के साथ में कोई भी निजी संस्थान या सरकार का अधिकारी कोई उनके साथ में लापरवाही। मगर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि डिबेट करने का मकसद ये तो है ही कि जो जिम्मेदार है उन पर सजा हो, उससे बड़ा मकसद ये है कि जो लापरवाही यहाँ की गई हो, लापरवाही कहीं और ना हो, आगे किसी की जिंदगी ऐसे ना जाए। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कम से कम कोटा में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल यही उम्मीद करनी चाहिए विजेंद्र, और यही आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है विजेंद्र कि जब हम मंगल और चांद जैसे ग्रहों को फतेह करने की बात कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को, विमंदित जनों तक को हम साफ पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं और गंदा पानी पीने की वजह से, हालांकि अभी जाँच रिपोर्ट और नतीजों का इंतजार बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक कारण सामने आ रहा है, अगर गंदा पानी पीने से, फूड पॉइजनिंग से उनकी मौत हुई है, तो फिर ये सिस्टम और समाज सभी के लिए शर्म और गंदा पानी तो दिखाई दे ही रहा है, और वहाँ जहाँ खाना बनता है वहाँ भी गंदगी दिखाई दे रही है। मेरे लिए ये सवाल ही नहीं, हो सकता है नेचुरल डेथ हो तो भी इंतजार थोड़ी ना करेंगे उस पानी को पीने से मौत हो, व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निमिषा, आपका भी शुक्रिया, आर आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन घटनाओं को जरा याद कीजिए, जब किसी बोरवेल में बच्चा गिरता है ना, तो पूरे स्टेट के अंदर आवाज उठती है कि अब जिला स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा, किसी भी बोरवेल को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी ऐसी ही घटनाएं, क्योंकि जो विमंदित है ना, वो बोल नहीं सकते, वो समझ भी कम सकते हैं, उनका अपना भी कोई नहीं होता है, उनके लिए क्या वाकई में कोई इतनी संवेदना दिखाएगा कि व्यापक स्तर पर एक अभियान चले कि उनकी जान, कम से कम आप सोचिए, पानी पीने से उनकी जान जा रही है, खाना खाने से जान जा रही है, ये दो मूलभूत चीजें तो हम उनको इस समाज में दे ही सकते हैं। नमस्कार।